जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड के अंतर्गत ये रेवड़ा का एक मजरा पड़ता है औरी औरी में। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस सूबे के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी ने पहले तो जरवल रोड में एक लोकार्पण किया है 400 मीटर इंटरलॉकिंग का। उसके बाद पंकज कुमार जो डेली न्यूज से पत्रकार हैं उनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ था, वहाँ पहुँच करके उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब वो हमारे बीच में इस औरी ग्राम सभा करनी चाहिए उससे कम ही है जी। अब मंत्री होने के बाद मेहनत घट गई है जी। मेहनत इसलिए घट गई है क्योंकि पहले इन सारे गाँव में हम घूम लेते थे, अब नहीं घूम पाते जी। सामान्य रूप से इस क्षेत्र ने हमको तीन तीन बार विधायक बनाया है जी और इस क्षेत्र ने ही ये मौका दिया है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूं जी। और उसका परिणाम है कि हम आज आप हमको बता रहे हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी। तो इस नाते हमको हमारी ड्यूटी है इस क्षेत्र के लोगों के दुख सुखों में भाग लेना, बेशक उनको सारे विषयों की जानकारी देना। ये हमारे शर्मा जी बहुत दिनों से चाहते थे कि इनके यहाँ हमको आने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इनके कारण इतने सारे लोगों से एक बार की भेंट हो गई। हमारे आदरणीय प्रधान जरवल रोड बभौरा के प्रधान प्रतिनिधि जी ने आग्रह किया था, निर्माण इन्होंने कराया है, लोकार्पण हमने किया है। हमारे क्षेत्र में जितने भी निर्माण हों उन सब से कौन सी संस्था करा रही है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जी। चाहे MLA कराए, चाहे MP कराए, चाहे जिला प्रतिनिधि कराए और चाहे हम प्रधान कराए, BDC कराए जी। हमको लगता है क्षेत्र में निर्माण होना चाहिए, उस विकास को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं। रही बात जो आपने किसान वाला समझाने का कहा है, आप मान लीजिए कि जितना मोदी जी ने किसानों के लिए किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था, कोई सोच नहीं सकता। जरा मोदी जी से पहले जाइए तो आपको लगेगा कि क्या कोई कभी खाद के लिए लाइनें लगती थी, अब खाद के लिए लाइन लगती है क्या? नकली खाद मिलती थी, अब नकली खाद मिलती है क्या? बिजली रोज आती थी जाती थी, अब बिजली आती है जाती है क्या? नहीं जाती। तो ये सारे अभाव दूर हुए और सामान जब कभी लोग जानते नहीं थे गांव के लोग कि उनका गेहूं धान खरीदा जाएगा और आज उनका गेहूं धान खरीदा जा रहा है। लोग शिकायत करते हैं मेरा धान नहीं खरीद गया, मेरे धान का पैसा नहीं आया, तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि इनको ये अनुभव है कि मेरा धान खरीदा जा रहा है, मेरा गेहूं खरीदा जा रहा है। और आप जान लीजिए जितना हम लोगों ने खरीदा है आज अखबार में निकला है 53 लाख मैट्रिक टन हम लोगों ने धान खरीदा है, जबकि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार 2014 के पहले उत्तर प्रदेश 17 के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख मैट्रिक टन से पर कभी धान खरीदा ही नहीं था, रिकॉर्ड है और हमने 53 लाख मैट्रिक टन खरीदा है। अब आप कल्पना करें कितना कर रहे हैं। तो हम लगातार सरकार चाहती है भारत के 125 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश के 28 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। हम हर भेदभाव से परे सबके विकास के लिए प्रयासरत हैं। हम कोई ऐसे सड़क ऐसा हो जाति कर नहीं बनाते, हम सब संख्या पर बनाते हैं और सब बन रहा है, सब निर्माण हो रहा है। नहीं सर, एक चीज और पूछेंगे सर, आज आपने पंकज कुमार जो है मिश्रा जी उनके पिताजी की जो है देहांत हो गया था उस पर आपने उनके लिए क्या? देखिए आप मान लीजिए यह पत्रकार मित्र है तो जरवल रोड के पत्रकार मित्र तो हमारे अपने हैं, उनके सुख दुख में हमको भाग लेना ही लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पत्रकार का सवाल है, ये जो जागरण का गीत पूरा देश गा रहा है इसमें पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनको निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदारी होनी चाहिए। बस चलते चलते अभी एक चाचा जी ने आपको एक ज्ञापन सौंपा है पुलिया निर्माण के लिए, उसमें क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम उसको दिखवाते हैं और पुलिया निर्माण थोड़ा छोटा काम है और नाला वाला बता रहे हो बड़ा काम है, तो जो छोटा काम तुरंत होने वाला होगा उसको करो। अभी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं जनपद बहराइच के जरवल रोड में इंटरलॉकिंग का लोकार्पण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का यहां पर आगमन हो चुका है और यहां पर आप देख रहे हैं पैर छू करके लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों अब मैं आगे तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं जरवल रोड के प्रधान प्रतिनिधि अजय वर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। आप देख रहे हैं मोनू मिश्रा ने यहां पर रोली तिलक लगा करके कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का स्वागत अभिनंदन किया। उसी क्रम में गौरव वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा संयोजक है उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष पवन वर्मा का भी रोली तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा। उसी क्रम में प्रधान वह लोकतंत्र सेनानी प्रमोद गुप्ता को भी रोली टीका लगाया जा रहा है। दोस्तों अब आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो 400 इंटरलॉकिंग का सड़क निर्माण है उसका आप देख रहे हैं फीता काट करके सूबे के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने यहां पर
लोकार्पण कर दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और ये सभी तस्वीरें आप जर्वलोड से देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर 400 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण अजय प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया था, उसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कर दिया। मैं सामने शिलापट भी आपको दिखा रहा हूं और अब आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदीप ने भी माल्यार्पण किया, आप देख रहे हैं यहां पर श्रीवास्तव जी ने भी माल्यार्पण किया। ये माल्यार्पण करने का दौर चल रहा है दोस्तों, काफी से काफी लोगों ने माल्यार्पण किया। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ आप नेता भी हैं, इनको भी यहाँ पर माल्यार्पण किया जा रहा है। कौशलेंद्र विक्रम पीआरओ की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वह पवन वर्मा अभिषेक गुप्ता की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री का माल्यार्पण कर रहे हैं दोस्तों, मोनू मिश्रा भी। और निश्चित रूप से हम लोगों को जो लोकार्पण का है वह अपने द्वारा किए गए कराए गए कामों का लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु आज मैं अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ, जिस गांव के गांव प्रधान ने जो इसको किया है वह भी लोकार्पण हमारे हाथों से करा रहे हैं। मैं मान कर चलता हूँ इस पूरी विधानसभा में MLA MLC जिसी क्षेत्र में है। और आगे आप तस्वीरों में देख रहे हैं जरवल रोड निवासी पंकज कुमार मिश्रा, जो डेली न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार है, इनके पिताजी ओम प्रकाश मिश्र का आकस्मिक निधन हो गया था। आज यहां पर कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा पहुंचेंगे। रमन शुक्ला की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जो जरवल रोड से हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का। मैं थोड़ा एक नेम प्लेट दिखा देता हूं। पंकज कुमार मिश्रा इंडिया न्यूज डेली न्यूज के संवाददाता है। आप के मिश्रा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं और अब कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का आगमन हो चुका है। पंकज कुमार मिश्रा के यहां पहुंच करके वो शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सीधे कैबिनेट मंत्री अंदर पहुंच चुके हैं और पंकज कुमार मिश्र सामने बैठे हुए, गौरव वर्मा भी बैठे हुए हैं और परिवार के मेन सदस्य मुखिया है पंकज कुमार मिश्रा। और मैं आपको बता दूं ये पत्रकार है जर्मन रोड से पहुंच करके कैबिनेट मंत्री ने दुख प्रकट किया, वह ढांढस बंधाया परिवार को। ये सभी तस्वीरें आप जर्मन रोड से देख रहे हैं और मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चल रहा हूं। आप देख रहे हैं जर्मन रोड में स्थापित काली मंदिर, पहुंच चुके हैं कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और उन्होंने माँ काली को माल्यार्पण करके और माँ काली से आशीर्वाद ले रहे हैं दोस्तों। पैर छू करके माँ काली से आशीर्वाद ले रहे हैं कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। आप देख रहे हैं भोलेनाथ को भी प्रणाम किया। ये सभी तस्वीरें आप जर्मन रोड से देख रहे हैं दोस्तों। और अब मैं आपको ले चल रहा हूं दूसरी ओर, ग्राम पंचायत रेवड़ा के रौली में ले चल रहा हूं, औरी में ले चल रहा हूं दोस्तों। औरी पहुंच चुके कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। आप देख रहे हैं राम राज शर्मा ने पैर छू करके कैबिनेट मंत्री का आशीर्वाद लिया। आज कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा यहां किसान चौपाल करके कृषि कानून के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे दोस्तों। कैबिनेट मंत्री का आगमन इस वक्त ग्राम पंचायत रेवड़ा के औरी में हो चुका है दोस्तों, वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त वो एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, सत्यनारायण कथा का कार्यक्रम चल रहा है। वो इसमें आप देख रहे हैं हवन कर रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष राम राज शर्मा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अवधेश दीक्षित की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश अवस्थी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं दोस्तों। ये सभी लोग इस वक्त सत्यनारायण की कथा जो हो रही थी, कथा के उपरांत आप देख रहे हैं हवन हो रहा है, उस हवन में ये सभी लोग सम्मिलित है। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं राम राज शर्मा ने माल्यार्पण करके कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का यहां पर स्वागत अभिनंदन किया। इसी क्रम में आप देख रहे हैं ये प्रधान है रेवड़ा के, इन्होंने भी माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन किया। आप देख रहे हैं गौरव वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा संयोजक है, इनको भी माल्यार्पण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रमोद गुप्ता को भी माल्यार्पण किया गया दोस्तों। और अब आप आगे तस्वीरों में देख रहे हैं कौशलेंद्र विक्रम को भी जो पीआरओ हैं, इनको भी माल्यार्पण किया जा रहा है। आप इसी क्रम में सभी तस्वीरें माल्यार्पण की देख रहे हैं दोस्तों।
ये सभी तस्वीरें माल्यार्पण की देख रहे हैं औरी से, जो रेवड़ा का एक मजरा है दोस्तों। आज कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और वो एक किसान चौपाल लगाएंगे कृषि कानून के बारे में, वो सीधे जनता को जागरूक करेंगे दोस्तों। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनपद बहराइच के साथ साथ देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है न्यूज न्यू इंडिया। इसके रिपोर्टर वरिष्ठ पत्रकार पंडित अशोक मिश्र अन्ना भैया के साथ आप देख रहे हैं। सूरमर शुक्ला को भी माल्यार्पण किया जा रहा है, प्रशांत अग्नोत्री को भी माल्यार्पण किया जा रहा है। ये सभी तस्वीरें आप औरी से देख रहे हैं दोस्तों। मैं आगे अब आपको दिखा रहा हूं, यहां पर कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने जनता की समस्याओं को सुना है। आम जनता की सभी समस्याओं को त्वरित निस्तारित कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र का वो अध्ययन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और सीधे उच्च अधिकारियों को फोन के द्वारा अवगत कराकर कहते तत्काल जनता का काम होना चाहिए। मैं दूसरी तरफ आपको दिखा रहा हूं, ये चचा जी हैं, इन्होंने एक पुलिया निर्माण को लेकर के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को एक मांग पत्र सौंपा। ये सभी रिपोर्ट जर्वलो